बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज हम बनाने वाले हैं बेसन की बर्फ़ी, तो चलें इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेसन की बर्फ़ी के लिए मैंने ये 2 कप बेसन लिया है और 1 कप चीनी, 1 कप क्रीम, 1 कप पानी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और ये बादाम इसे घी में फ्राई कर लिया है और ये 3 से 4 चम्मच घी। अब ये बेसन में क्रीम ऐड कर देंगे। अब इसे मिक्स कर देते हैं। बेसन को मैंने अच्छी तरह छान लिया है, इसको अच्छी तरह इसमें दोनों को मिक्स कर देंगे। अब इसे हाथ साथ गूंद लेंगे, चम्मच को अच्छी तरह साफ कर देते हैं और इसे हाथ साथ गूंद लेते हैं। बेसन को हाथ साथ अच्छी तरह गूंद लिया है। अब इसके ऊपर ढक्कन देके इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। अब आधा घंटा हो गया है, ढक्कन उठा देते हैं। अब हम इसे घी में भून लेते हैं। अब एक पैन ले लिया है, फ्लेम ऑन कर लिया है। अब इसमें ये घी डाल देंगे। अब घी को गरम कर लेते हैं। अब इसमें ये जो बेसन है ये भी ऐड करते हैं। और अब इसे भून लेते हैं। अब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर देते हैं और इसे मिक्स कर देते हैं। मीडियम फ्लेम पे इसे इस तरह भूनते रहें, फ्लेम को तेज़ नहीं करना नहीं तो ये बेसन जल जाएगा। इसी तरह इसे मीडियम फ्लेम पे भूनते रहें। बेसन भुना गया, अब फ्लेम ऑफ कर देते हैं और हम शीरा रेडी करते हैं। अब एक पैन ले लिया, इसमें चीनी डाल देंगे। अब इसमें ये पानी ऐड कर देंगे। अब इसे पका लेते हैं और शीरा रेडी करते हैं। शीरा पक गया और फ्लेम ऑफ कर देते हैं। अब इस बेसन में ये शीरा ऐड करते हैं। और इसे इसमें मिक्स कर देते हैं अच्छी तरह। इसको इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देते हैं। बेसन को अच्छी तरह चम्मच साथ मैश कर लें। अब एक शीशे का बाउल ले लिया, इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसे इसमें अच्छी तरह फैला देते हैं।
अब इसमें जो बेसन की बर्फी रेडी की है ये ऐड करते हैं। गरम गरम ही इसमें ऐड कर देंगे। अब इसे इक्वल कर देंगे सारी एक। इसे अच्छी तरह इक्वल कर दिया। अब इसके ऊपर जो बादाम है वो डाल देंगे। अब इसे दबा देते हैं इसमें अच्छी तरह। अब इसे 1 घंटे के लिए ऐसे रख देते हैं। अब 2 घंटे हो गए हैं, बेसन की बर्फी रेडी हो गई है। अब इसे काट लेते हैं। अब ये बर्फ़ी निकाल लेते हैं, इसी तरह सारे पीस निकाल लेंगे। बेसन की बर्फ़ी रेडी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे भी सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।